नमस्कार दोस्तों, गेट सक्सेस 247 के एक और न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैंने रेशियो और प्रोपोर्शन का एक पहले भी वीडियो दिया था, उस समय मैंने आपको कहा था कि मैं एक वीडियो और दूंगा रेशियो और प्रोपोर्शन का, जिसमें कुछ लैंग्वेज वाले क्वेश्चन होंगे। उस वाले वीडियो मैंने आपको बताए थे बेसिक कंसेप्ट रेशियो और प्रोपोर्शन के, जिससे आप रेशियो और प्रोपोर्शन के क्वेश्चन समझ जाओ, कंसेप्ट समझ जाओ। तो आज वाले वीडियो में आपको बताऊंगा इनके जो लैंग्वेज फॉर्म के क्वेश्चन आते हैं ना, वो कैसे आते हैं और उन्हें आप कैसे सॉल्व करो। तो उस स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगा, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और नोटिफिकेशंस बेल को, यानी बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, ताकि मेरे नोटिफिकेशंस आपके पास आते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है ना आपके लिए, मैं डिक्टेट कर देता हूँ। इन अ टाउन 20% ऑफ द मैन आर सेम इन नंबर एर 1/4 ऑफ द वुमेन, वट वुड बी द रेशियो ऑफ मैन एंड वुमेन इन द टाउन। सिंपल सा है दोस्तों, कि टाउन के अंदर 20% मैन है, वो किन के बराबर है? वहीं के रहने वाली वुमेन्स के 1/4 के बराबर है। इतना समझ में आया है? वॉट वुड बी द रेशियो ऑफ मैन एंड वुमेन इन दैट टाउन। उस टाउन के अंदर मैन और वुमेन का रेशियो पूछा है। देखिए जो लैंग्वेज है ना, मैं उसी के अकॉर्डिंग करके दिखाऊंगा। क्या बोला है? 20%। तो 20% को हम कैसे लिखते हैं? 20/100 ये लिखते हैं। ऑफ द मैन आर सेम इन नंबर एज 1/4 ऑफ द वुमेन, किसके बराबर है, किसके इक्वल है? 1/4 वुमेन के। अब क्या करना है, इनका रेशियो बताना है। बस सिंपल सी बात है, कितना हो गया? 2/5, सॉरी यहाँ से हो गया 1/5 इक्वल्स टू 1/4। यहाँ से आपको ये मिला। क्या करना है, 4 अगर इक्वल्स टू के इस साइड है और इस साइड आता है, तो 4 कहाँ आ जाएगा? इस साइड। तो ये बन जाएगा 4/5। मिल गया रेशियो, रेशियो आपको 4:5। सिंपल सा है दोस्तों, लैंग्वेज को पढ़ो, लैंग्वेज के अकॉर्डिंग चलते रहो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या गिवन है? इन अ स्कूल रेशियो ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इज 9:6। यानी ये कह रहा है कि एक स्कूल के अंदर बॉयज़ और गर्ल्स का जो रेशियो है ना, वो 9:6 है। यानी ये रेशियो गिवन है। इफ देयर प्रेजेंट इज, हाँ यहाँ पे ये गिवन है कि बॉयज़ टोटल कितना है? 180 बॉयज़ है इस रेशियो के अंदर से। तो देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द स्कूल। तो स्कूल के जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है, सभी स्टूडेंट्स है कितने हैं, ये बताना है। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या होते हैं दोस्तों? गर्ल्स और बॉयज़ का मिक्स करके ही तो होते हैं, बॉयज़ का पता है, गर्ल्स का ही तो चाहिए। यानी टोटल को ऐड कर दो तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आ जाएगा, यानी बॉयज़ और गर्ल्स के। तीन स्टेप में बताऊँगा, छोटे छोटे स्टेप है, तीन स्टेप में पूरा क्वेश्चन खत्म कर दूंगा। ध्यान से देखना। स्टेप नंबर 1, 9x और 6x। एक्स क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि रेशियो में हम क्या ऐड करते हैं? एक्स। ठीक है, पहला स्टेप बता रहा हूँ दोस्तों, तीन स्टेप ही होंगे। 9x प्लस 6x कितना होता है? 15x। स्टेप नंबर 1 यहाँ पे ख़त्म। टोटल नंबर ऑफ आगे है, यानी x की वैल्यू आ जाएगी, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आ जाएंगे। यहाँ पे x की वैल्यू रखो, मल्टीप्लाई बाय 15 करो, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ जाएंगे। स्टेप नंबर 2, 180 क्या है हमारे? बॉयज़ है, और बॉयज़ का जो रेशियो है वो कितना है? 9x। यानी x की वैल्यू हम निकाल सकते हैं इजिली, 9x इक्वल्स टू 180 लिख सकता हूँ मैं, क्योंकि 180 जो है ना वो बॉयज़ का ही गिवन है, और बॉयज़ का रेशियो हमें गिवन है 9x। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 9 जब डिवाइड में जाएगा तब आ जाएगा 20। स्टेप नंबर 2 ख़त्म, x की आ गई वैल्यू 20। x की वैल्यू रख दो यहाँ पे 15 मल्टीप्लाई बाय 20, सीधा आ जाएगा 300 हमारा आंसर। स्टेप नंबर 3 क्वेश्चन ख़त्म, आंसर आ गया 300। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ गए हमारे 300। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3। इसमें जो गिवन है वो मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। शेयर रुपीज़ 4200, ये अमाउंट है एक, किनके बीच में डिवाइड कर रखा है? जॉय संजय एंड बिजॉय के बीच में रेशियो के अंदर डिवाइड कर रखा है, शेयर कर रखा है। और उनका जो रेशियो है ना शेयर करने का, वो ये गिवन है 2:4:6। यानी जॉय का है 2, संजय का है 4 और बिजॉय का है 6। ठीक है सर फ्रेंड्स, फाइंड द अमाउंट रिसीव्ड बाय संजय। निकालना किसका है? ओनली एंड ओनली संजय का। यानी उसका जो रेशियो 4 है ना कहीं हमारे ये काम आने वाला है। तो दोस्तों स्टार्ट करने से पहले मैं आपको लिए एक ये फॉर्मूला लिखा है आप सभी के लिए, ये आप लिख लीजिए। इंपॉर्टेंट है, ट्रिक है, डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व होगा। यानी कभी भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए ना, तो सीधा सा फॉर्मूला लगाना है विद इन 20 सेकेंड्स, यानी 20 सेकेंड के अंदर अंदर ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा दोस्तों। कैसे? रिलेटेड रेशियो अपॉन सम ऑफ रेशियो इन टू टोटल अमाउंट। अगर इतना बड़ा याद नहीं आता ना, तो इनको शॉर्ट फॉर्म में कर लीजिए। रिलेटेड रेशियो का कर लीजिए आर, सम का कर लीजिए एस, मल्टीप्लाई कर लीजिए टोटल। तो आर अपॉन एस इंटू टी, ये शॉर्ट फॉर्म में कर सकते हैं अगर इतना बड़ा याद नहीं रहता। लेकिन क्या क्या चीज़ें हैं वो याद रखनी ज़रूरी है।
रिलेटेड रेशियो का मतलब है जो रेशियो आपको पूछा जाता है, यानी हमें संजय का पूछा है, तो रिलेटेड रेशियो में किसका रेशियो आएगा? संजय का। समझ में आई बात? इसके बाद है सम ऑफ रेशियो, यानी जो टोटल रेशियो गिवन है ना उनका सम, यानी ये 6 + 4 + 2 यानी 12 ये आएगा, मल्टीप्लाई बाय टोटल अमाउंट यानी कितना अमाउंट उनमें डिवाइड कर रखा है वो ये रहा, ये आ जाएगा यहाँ पे। सीधा सा है, वैल्यू रखो आंसर आएगा। कैसे? रिलेटेड रेशियो हमारा था 4, तो मैं यहाँ कर देता हूँ 4 अपॉन सम ऑफ रेशियो है हमारा कितना 12, मल्टीप्लाई बाय टोटल अमाउंट है हमारा 4200। इसको सॉल्व करने पे कहीं ना कहीं हमें मिलेगा 3 12 1400, यानी जो संजय का टोटल अमाउंट है ना वो ये है। यानी कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए 3 के या 4 के बीच डिवाइड कर रखा हो और किसी एक का पूछा जाता है, तो सिर्फ ये फॉर्मूला लगाना है और वैल्यू पुटअप करनी है, इससे ज़्यादा इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है दोस्तों, एकदम ईजी है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स और जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनमें शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। थैंक यू, मिलते हैं नए वीडियो में।